प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज का जो शुभ दिन है वह है 20 तारीख, एक महत्वपूर्ण दिन आप सबके सामने उपस्थित होता हुआ, और साथ ही साथ आज के दिन हर दिन आपसे कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अंक के माध्यम से आप इस इन्फॉर्मेशन को लेते हैं और अपने जीवन के कार्यों को करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1928 उनके लिए नया भविष्य एक नई दिशा उन्हें मिलते हुई, एक नया साधन, नया वाहन उन्हें मिलता हुआ, एक सूर्य का अलौकिक प्रकाश उन्हें मिलता हुआ और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ। अंक एक, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, नए लक्ष्य हो, नया विषय, नए सब्जेक्ट अंक एक के पास आ सकते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/11/1920 है। आने वाला समय थोड़ा सा फाइट का है, तनाव की स्थितियाँ हैं, आपके ही लोग आपको निपटाने के पीछे लगे हुए आप देख रहे होंगे फील्ड पे, जिसके कारण से आपके मन में तनाव है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कहीं आपकी नौकरी ना चले जाए या आपका बिजनेस ना चले जाए, आपका व्यापार ना चला जाए। आपके ही लोग आपको निपटाने की तैयारी में, और विश्वमन अर्थात एक प्रकार विष पीने का समय अभी आपका। और कहने का मतलब ये नहीं होता कि विष पीने का मतलब आप पानी में अपने जहर लिया और पानी में घोला और पी गए, विष पीने का मतलब यह भी होता है कि कई बार जिन लोगों को आपने मदद की है वही लोग अब आपके सामने ऐसे खड़े हो रहे हैं, सीना तान के आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ भी कई बार विषपान की स्थिति कही जाती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4/12/1931 उनके लिए कुछ समय शुभ नहीं, कार्य क्षेत्र में तनाव की स्थितियाँ और थोड़ा सा क्वेरल की स्थिति आज के दिन बन सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आप का और लड़ाई ना करें। यदि आप अपने ईगो को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं तो आपका ईगो ही कई बार आपके पतन का कारण बनेगा और कई बार आप अकेले रह जाओगे और फिर अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, क्योंकि जीवन में एक समाज है और समाज में हम सबको रहना पड़ता है, तो इसलिए हमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5/14/23 है। समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से और मन में कई बार खिन्नता आ रही, तो आप अपने गुरु के पास जाएं और उनसे थोड़ा ज्ञान लें और समय किस प्रकार जाएगा उस विषय पर विचार विमर्श करें और फिर अपने कार्यों को करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। गुरु का प्रकाश अलौकिक शक्ति आपको मदद कर सकती है, आपके भाग्य को बढ़ा सकती है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6/15/24 उनके लिए दिन आज का शुभ नहीं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव और वातावरण अनुकूल नहीं, स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, कार्यक्षेत्र में परेशानी आ सकती है और कुछ ऐसे लोग आपके बारे में निर्णय ले सकते हैं जिन्होंने आपके जो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, अर्थात कई बार कहा जाता है कि अंधा कानून है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ आपके लिए, ऐसे लोग आपके बारे में निर्णय ले रहे हैं जो आपके बारे में कुछ नहीं जानते, आपके बारे में वो बिल्कुल अंधे हैं और वो लोग आपके बारे में निर्णय ले रहे हैं, इसलिए इसे समय कहा जाता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8/17/26 है उनके लिए जो आज का दिन है, तो जस्टिस का है, न्याय का है, किसी विषय पर उन्हें न्याय मिलेगा उसकी प्रतीक्षा कर रहा कि अब तो मेरे साथ समय जो है न्याय करेगा, अब अपना टाइम तो आएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9/18/27 है उनके लिए जो आज का दिन है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव से युक्त है, थोड़ा सा परिश्रम है और समय को देखता हुआ अंक 9 कि कब उसका समय आएगा, समय की बाट जोता हुआ और थोड़ा सा वेट करता हुआ, मेहनत करके उसने अपने खेतों में फसल तो लगा ली, लेकिन फसल कब उगेगा, क्योंकि कहा कि भी गया है कि धीरे धीरे कर मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो, अर्थात और अपनी ऋतु का अपने समय का इंतजार करता हुआ। तो दोस्तों ये हुई चर्चा अंक 1 से लेकर 9 तक की और आज के दिन की। आपको आपके भविष्य से जुड़े अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 7415111400 पर, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और हमारे इस पेपर के समूह को भी अच्छा लगे। थैंक यू।